तो एक तरफ शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद से पंजाब में हड़कंप है। विपक्षी दल पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात चुनाव के लिए प्रचार अभियान में। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता पुलकित नागर ने भगवंत मान से सुधीर सूरी हत्याकांड पर जवाब जानना चाहा, लेकिन सीएम ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन पर बात की, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा गया उनके राज्य का सुधीर सूरी हत्याकांड पर, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सर सपोर्ट कितना मिल रहा है? ये देखिए, अपने आप लोगों का चले आना जहां भी जाते हैं, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कस्बा हो, गांव हो, अपने आप निकल कर आना, ये इस बात का संकेत है। लोग बदलाव चाहते हैं। आप, मुझे याद है आप पंजाब में भी आए थे, यही माहौल था पंजाब में। हम कह रहे थे कि बहुत भारी मार्जिन से हम जीतने वाले हैं, वही हुआ। जब लोग इलेक्शन लड़ने लगते हैं अपने लिए, लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस अपने एमएलए बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जीत आम आदमी पार्टी की। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो हालात है उसके बाद यहाँ पर तस्वीर क्यों नहीं? आप तस्वीरें देख लीजिए, भगवंत मान जो रोड शो कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री अब बात के अंदर रोड शो कर रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी चुनौती उठा रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री गुजरात में व्यस्त तो है, लेकिन पंजाब के अंदर पराली को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो हालात है उसके बाद क्या उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का इसके पीछे तर्क ये कि वो उनके स्टार प्रचारक हैं, इसीलिए वो गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वीर जर्नलिस्ट मनीष के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।